हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल SNG कंस्ट्रक्शन। तो आज का टॉपिक है फ्लाई ऐश ब्रिक वर्क। तो हम देखेंगे साइड पर फ्लाई ऐश ब्रिक वर्क को किस प्रकार से कराया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फ्लेमिश बॉन्ड पर ब्रिक वर्क कराया गया है, फ्लाई ऐश ब्रिक वर्क। तो क्या क्या प्रोसेस होती है फ्लाई ऐश ब्रिक वर्क की साइड पर करवाने की, फुल स्टेप है, स्टेप बाई स्टेप देखेंगे आज हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लाई ऐश ब्रिक होता है वो किन किन मटेरियल से मिलकर बना होता है, तो ये पहले जानना ज़रूरी होता है। तो जो फ्लाई ऐश ब्रिक होता है उसमें 60% फ्लाई ऐश होता है और 30% स्टोन डस्ट होता है और 10% OBC सीमेंट या लाइम को मिक्स करके फ्लाई ऐश ब्रिक को बनाया जाता है। और जो फ्लाई ऐश ब्रिक की बहुत सी क्वालिटी होती है, जैसे ये फायर इंसुलेशन होता है, मोर देन फायर रेजिस्टेंस होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, एंड लाइट इन वेट होता है, एंड हायर स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक। तो बहुत से एडवांटेज एंड क्वालिटी होती है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक के अकॉर्डिंग, इसलिए जनरली बहुत सी साइडों पे आजकल फ्लाई ऐश ब्रिक का ही यूज किया जाता है और ये इजीली अवेलेबल हो जाती है साइड पे, इसलिए फ्लाई ऐश ब्रिक को ही जनरली यूज की जा रही है साइड पे। तो अब देखेंगे क्या क्या प्रोसेस होती है फ्लाई ऐश ब्रिक वर्क कराने की साइड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी देख सकते हैं, जो फ्लाई ऐश ब्रिक होता है वो स्टैंडर्ड साइज पे भी आता है एंड ट्रेडिशनल साइज पे भी आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ब्रिक वर्क है ये स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक वर्क है, 190x290x290mm का होता है और जैसे इंच में बोले 7.5x3.5x3.5 inches का होता है। और जो ट्रेडिशनल साइज होता है इसका वो 9x4x3 inch का आता है। जनरली स्टैंडर्ड साइज ही यूज किया जाता है साइड पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक वर्क कराया गया है। तो क्या क्या प्रोसेस होती है ब्रिक वर्क कराने की, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग के अकॉर्डिंग ब्रिक वर्क लेआउट कराया जाता है एंड 3 लेयर के बाद प्लम वॉप से वर्टिकली चेक किया जाता है कि जो वॉल अपनी ब्रिक वर्क की हो रही है वो वर्टिकली है, वर्टिकल अलाइनमेंट में है या नहीं है। देन उसके बाद 3 लेयर होने के बाद अगर 9 फीट तक अपन 9 फीट तक ब्रिक वर्क करवाना है तो 3 फीट पर लेवल ट्यूब के द्वारा लेवल लगा लिया जाता है पूरे स्ट्रक्चर पे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये ये कॉलम है, तो ये जितने भी कॉलम है सब पे लेवल ट्यूब द्वारा लेवल लगा लिया जाता है 3 फीट तक। देन उसके बाद 3 फीट तक होने के बाद ब्रिक वर्क देन कोपिंग की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोपिंग की गई है, 4 inches की कोपिंग की जाती है। कोपिंग जो होता है उसमें यू शेप का रिंग होता है, देन टू रेनफोर्समेंट बार डाल के 8 to 10 डाय की, देन उसके पास इसके ऊपर PPC किया जाता है, जिसे RCC बैंड भी कहते हैं। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि जो फ्लाई ऐश ब्रिक वर्क जो वॉल होती है उसको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है एंड डैम्पनेस एंड सीपेज को रोकने के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है, एंड जो ग्राउंड फ्लोर से क्रैक्स आते हैं उनको भी रिमूव करने के लिए DPC प्रोवाइड की जाती है। मेन पर्पस ये होता है कि 9 इंची वॉल हो या 4 इंची वॉल हो, एज़ पर ड्राॅइंग के अकॉर्डिंग ये कोपिंग प्रोवाइड की जाती है और एक अच्छी स्ट्रेंथ भी बन जाती है वॉल पर, इसलिए प्रोवाइड की जाती है। और फिर ये कोपिंग होने के बाद 9 फीट तक अगर ब्रिक वर्क कराना है देन 3 फीट के बाद फिर से कोपिंग की जाती है, देन बीम से इसको अटैच कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 इंची का ब्रिक वर्क लेआउट किया गया, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। देन ऐसे ही 9 इंच का भी ड्राॅइंग के अकॉर्डिंग ब्रिक वर्क लेआउट कराया जाता है, देन साउल किया जाता है, देन कोपिंग के बाद फिर ब्रिक वर्क, देन 3 फीट के बाद फिर कोपिंग, देन बीम से अटैच करके ब्रिक वर्क कम्प्लीट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोपिंग है, छज्जे का पोर्शन है, ये ब्रिक वर्क है, इस पर अभी कोपिंग की जानी है। फ्लेमिश बॉन्ड पे किया जाता है, 2 बॉन्ड से ब्रिक वर्क कराया जाता है, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये साइड पे ब्रिक वर्क कराया गया है वो फ्लेमिश बॉन्ड पे कराया जाता है, मतलब एक ही लेयर पर स्ट्रेचर हेडर का बॉन्ड चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्ट्रेचर एरिया होता है वो ब्रिक का लेंथ पोर्शन को स्ट्रक्चर कहते हैं एंड ब्रिथ थिकनेस पोर्शन को हम हेडर कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोपिंग लगी है, कोपिंग किस प्रकार से लगाते हैं ये भी आप देख सकते हैं, 4 इंची कोपिंग 100mm थिकनेस की एंड 9 इंच वॉल पे डाली गई है कोपिंग, 200mm की वॉल पे डाली गई वो जो कोपिंग, तो आप देख सकते हैं। तो यही था आज का टॉपिक फ्लाई ऐश ब्रिक वर्क किस प्रकार से कराया जाता है।